1984 में 31 तारीख को इंदिरा गांधी को मार दिया। हम अपने त्रिलोकपुरी में घर में बैठे हुए थे, फेंका तो वो मतलब आधा मेरा जल गया था, आधा जल गया था। मेरी सास की जो बहन थी उसके बेटे बेटे थे, उसके बेटे को मेरे मनुष्य में लड़ने डाल के आग लगा दी, त्रिवी लड़कों में आग लगा दी, फिर वो दोनों बेटे उसने त्रिवी लड़ने पर गए। उसने जमुना जी पे आए तो ट्रकों के ट्रकों में लाश भर भर के, किसी की गर्दन थी, किसी की बाजू थी, किसी का पैर था, किसी की मतलब लाशें ऐसे ऐसे उठा के जमुना में फेंक रहे थे। तो दो तीन गाड़ियां खड़ी थी वहां से, हम कह रहे ये मेरे भाई की है, ये मेरे ऐसे ऐसे रोने लगे। तो वहां से हमारे को मिलिट्री ने भगा दिया कि आप जाओ यहाँ से जाओ, ये तुम्हारी लाशें नहीं है, तुम्हारी लाशें नहीं है, ये तो हम में 31 तारीख को इंदिरा गांधी को मार दिया। हम अपने त्रिलोकपुरी में घर में बैठे हुए थे और हमें पता ही नहीं था कि इंदिरा गांधी मरी है या क्या है। हमारे घर में टीवी शीवी तो होता नहीं था पहले, हमें ये शाम को पता चला कि भी इंदिरा गांधी को मारा है, इंदिरा गांधी मर गई है, इंदिरा गांधी मर गई है। तो हम भी घरों में बैठे हुए थे। जब दूसरे दिन पे सुबह दोपहर होती गई तो लोग टेम्पो में ट्रकों में भर के, और पहले वो कैंपा कोला की बोतलें हुआ करती थी, वो अपने ट्रकों में भर भर के लेके आ गए टेम्पो में ट्रकों में, और पेट्रोल केमिकल पता नहीं मिट्टी का तेल पता नहीं क्या क्या वो लेके आ गए। और उन्होंने एक मस्जिद था त्रिलोकपुरी में, वहां खड़ा कर दिए उन्होंने खड़ा कर दिए। तो वो आते आते तो वो ऐसे आ रहे थे जैसे पैदल पैदल, जैसे कोई जुलूस निकलता हो। तो हम बाहर आ गए कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो वो कैंपा कोला की बोतलें उठा उठा के मारने लगे। तो जो हमारे वहां पे 500 पता नहीं 600 इतना घर सिखों के घर थे, तो वो सारे निकल के देखने लगे कि ये बोतलें क्यों मार रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, क्या बात है। तो सारे आ, तो हम भी निकलने के लिए, सबसे जो छोटा मेरा बेटा था वो मेरा 15 दिन का गोदी में था, जो इनके पापा थे, ये मेरे पोती थे। और सबसे बड़ा बेटा मेरा 3 साल का होके 34 साल में चल रहा था, दूसरा बेटा मेरा 2 साल का था गोदी में। तीनों मेरे बच्चे छोटे छोटे थे और ये मारते 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 सारे आ गए। जो सरदार थे वो अपने घरों में निकल रहे थे, किसी को यहाँ से लग रही थी बोतल, किसी को यहाँ से, किसी को यहाँ से, किसी को मतलब खून हम खून हो रहे थे। तो जैसे किसी को लग रहा था तो वो घरों में अंदर अंदर घुसते गए, जैसे ही घरों में घुसते गए ना वो मारते 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 उन्होंने फिर बरसा और तलवारें और ये निकाल लिए। फिर उसके बाद तो वो घरों में घुस के एक एक आदमी को निकाल, फिर मैंने आदमी को हमारे ऐसे टाल हुआ करती थी समाट रखने की, मैंने अपने आदमी को छुपा दिया, मेरे जेब था उसको टर्न के पीछे छुपा दिया हमने। तो वो आए घरों में और हमारे घर में से मेरे जेब को निकाल के इन्होंने सीधा तलवार मार दी, तलवार मार के मेरे जेब की आंतड़ी निकल गई बाहर, और मैं सिर से बांध के बैठी हुई थी, मेरा 15 दिन का बच्चा था गोदी में, मैं बैठी हुई थी। तो मैं चीखे मार मार के रोने लगी, तो मेरे को पैरों से उन्होंने थोटा मार मार के ना ऐसे बाहर कर दिया। तो मैंने अपने दोनों बच्चों को भी ऐसे उठाया, मैं फिर ऐसे हो गई, मेरी सास वगैरह मेरे नंदे वगैरह सारे रोने लगे। तो वो फिर बाहर निकल गए, फिर हमने मेरे जेठ को ऐसे घसीट के इधर करके उसकी आंतड़ी जो थी उसके पेट में डाल दी, फिर हमने उसको कस के चुन्नी बांध दी, फिर हमने उसको खींच के और जो ट्रंक पड़ा था उसके साथ में ऐसे टेक लगा के लंबी टांगे करके उनको बिठा दिया। फिर मेरे आदमी को ऊपर हमने चढ़ा दिया टांड पे। तो एक रामपाल सरोज था वहाँ का, जीता हुआ था, जैसे MCD में जीत जाते हैं वो था। तो वो आया वहाँ से तो कह रहे भाई साहब कहाँ है पैसे, मैंने कहा भाई साहब नहीं है, पता नहीं कहाँ है, मेरे जेब को भी मार दिया, भाई साहब बचा दो, भाई साहब बचा दो, हाँ मैं तुम्हें बचाने आया, ये बोलने लग गया। थोड़ी देर के बाद में शाम होती गई और सफेद रंग की गाड़ी आई, गाड़ी में एक नेता निकला, नेता ने सफेद कपड़े पहने हुए थे और चश्मा डाला हुआ था, हमने कभी नहीं देखा, उनको पहली बार देखा था। तो सारे जो दंगे कर रहे थे मार रहे थे वो उनके तरफ भागे, तो मैं भी अपना बच्चा लेके सारे हम लेडीज भागे उनके तरफ कि हमें नेता आ गया, हमें बचाएगा, ये मारेंगे। तो वो नेता निकल के बाहर ये बोलने लगा, कहता मारो सरदारों को मारो, और वो भी तो तुम्हारी माँ थी, और मारो इनके बच्चों को भी नहीं बचाना, बच्चे भी बच जाएंगे, जो सांप का बच्चा बच जाएगा वो सपोला।
ऐसे ऐसे बोल के तो फिर हम अपने घरों में आगे नहीं, ये नेता नहीं बचा सकता, ये तो नेता भी मार रहा है। हम अपने घर में आके मैं दरवाजे पे बाहर बैठ गई, ऐसे करके बैठ गई अपने बच्चे को लेके, मेरी नंद बहन मेरे जेठ के पास बैठे बैठे हम सारे रो रहे थे। फिर उसके बाद में तो इन्होंने ऐसे मारना शुरू कर दिया, फिर मेरे घर में अंदर चले गए, ऊपर से मेरे आदमी को, मेरे आदमी के लंबे लंबे बाल थे उनको ऊपर से घसीट के और बाहर ऐसे घसीट के और बाहर ले आए, बाहर ले आए और मेरे आदमी को ऐसे डंडे ऐसे उन्होंने मारे, मेरा आदमी ऐसे ऐसे कर रहा था, वो डंडे मार के और बाहर गड़बंजी को ईंटों का गली बनी हुई थी उस पर डाल दिया, फिर एक मंजा पड़ा था उसके ऊपर डाल के, फिर एक रजाई पड़ी थी डाल दी, एक टायर उसके ऊपर जला हुआ डाल दिया। फिर मैंने एक आदमी के पैर पकड़ लिए, वो मेरे को काफी दूर तक घसीटता हुआ ले गया, मेरा जो 15 दिन का बच्चा था वो मेरे गोदी में से निकल गया, वो मेरे से बिछड़ गया। फिर मैं वहां से निकल के आई तो मैं भागी भागी अपने आदमी को बचाऊं ऐसे ऐसे करके, मेरे हाथ वाथ भी जल गए थे, मैंने ऐसे फेंका तो वो मतलब आधा मेरा आदमी जल गया था, आधा जल गया था। फिर मेरी सास की जो बहन थी उसके बेटे बेटे थे, उसके बेटे को मेरे नन्हथरी में लड़ने डाल के आग लगा दी, इतनी भी मेरे को भी आग लगा दी, फिर वो दोनों बेटे उसने इतनी भी लड़ पे पड़ गए। फिर मेरा बच्चा मेरे को 3 दिन के बाद कैंपस में मिला था छोटा वाला, फिर मेरे बच्चे बड़े वाले को जो जो 3 साल में था उसको पकड़ लिया इन्होंने, कहते ये सरदार है लड़का लड़का लड़का, मैंने कहा नहीं साहब ये लड़की है लड़की है, मैं उसके हाथ पैर जोड़ रही। फिर एक बुड्ढा सा आदमी था उनके पास से, उसने बोला कि इसकी ये जूड़ी खोल दो और ये पुरसेट उतार के इसको उल्टी पहनाओ, फिराक पहना दो, फिराक पहना दे, मैंने कहा मेरे पास फिराक नहीं है। फिर मैंने उसकी जूड़ी खोली और ऐसे कुत्ते से बना दिए और वो आगे से बटन ऐसे फाड़ के, फिर वैसे फाड़ के मैंने उसको उल्टा पहना दिया और ऐसे छुपा दिया अपने दोनों बच्चों को, जो 2 साल का था वो उसके छोटे छोटे बाल थे, बाकी जो मेरा छोटा बच्चा बिछड़ गया था वो तो मेरे से 15 दिन का बिछड़ गया था, वो किसी ने भी नहीं उठा लिया था। फिर उसके बाद में शाम हो गई, रात हो गई, गली में भटकते भटकते फिर बहुत सारे लोग आ गए, फिर लेडीजों को इकट्ठा करने लगे, जैसे आप लोग बैठे हैं ना कुर्सी पे, उन्होंने हमें नीचे बैठा दिया, ऐसे पार्क था एक पार्क में बैठा दिया, उधर से फिर लेडीजों को लड़कियों को उठा उठा के लेके जा रहे थे, कंधा कंधे करते कर रहे थे उनके साथ में, ना वो दादी की देख रहे थे, ये दादी की उम्र की है ना माँ की उम्र की है, इतना गंदा गंदा कर रहे थे जैसे माँ के पेट में निकलता है, ऐसे उल्टा सीधा करके लड़कियों को उठा उठा के चला गाँव में ले गए। चार 5 दिन के बाद में मिलिट्री आई थी, वो फिर निकाल के ले गए। फिर हम वहां से, फिर रात को हमारे पीछे एक मकान बन रहा था, मेरी सास गई मेरी बहुओं को बचा लो, मेरी बेटियों को बचा लो, उनको बोलने लगी, उन्होंने फिर हमारी मदद की, उन्होंने बोला अपनी बहुओं को, अपनी बहू को और बेटियों को ले आओ। फिर वो मकान बन रहा था 25 गज का था, हमें उसमें हम ऐसे ऐसे करके नीचे ऐसे ऐसे करके एक एक जना गए उसके मकान में जाके छुप गए, छुप के उन्होंने बाहर से ताला लगा दिया, ताला लगा दिया। तो फिर हाँ जब वो सुबह, फिर उन्होंने हमारे रात को पूरी रात हम ऐसे करके बैठे रहे, पानी चू रहा था ऊपर, हम गीले हो रहे थे, बच्चे भी गीले, बच्चे रो रहे थे ऐसे ऐसे, मुंह हम उनका दबा रहे थे, 2 दिन से हमने कुछ नहीं खाया था ना बच्चों ने खाया। फिर जब सुबह उन्होंने 6 बजे निकाल दिया तो हम घूम के अपनी गली में आए, गली में आए तो इतनी लाशें पड़ी हुई थी हमें तो नजर ही नहीं आ रहा था कि कौन सी हमारे आदमी की लाश है या कौन सी हमारे भाई की लाश है या कौन सी हमारे जेठ की लाश है, मतलब इतनी लाशें, पैर रखने की गली में जगह नहीं थी, हम चीखे मार मार के रोने लगे, चीखे मार मार के इतना रोने लगे। रात को उन्होंने लाइटों के रॉड नीचे गिरा दिए, पानी वगैरह सब सारा पूरा बंद कर दिया, नालियों का पानी पिला रहे थे हम बच्चों को, क्या करें हमारे पास कुछ था ही नहीं, हम नालियों का पानी पिला रहे थे। फिर सुबह मेरी सास बात बोलने लगी, आज रात को इन्होंने इतना गलत किया, हम तो बच गए हैं, अब यहाँ से चलो, तुम यहाँ से चलो। फिर हमने घर में देखा, हमारे घर में भी आग लगी हुई थी, सारा पूरा जल गया था, जो सामान था उन्होंने उठा लिया था, आदमी हमारे मर गए, जो हमारे पास हम लेडीज थे और हमारे पास बच्चे थे, हम चीखे मार मार के फिर हम वहाँ से पैदल 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 पांडव नगर आए। पांडव नगर एक चौकी थी, फिर हमने चौकी में घुस गए, फिर चौकी में हम एक चौकी इंचार्ज था, हम उनके पैर वैर पकड़ने लगे, हम 50-60 लेडीज थी, हमने कहा हमारे साथ ऐसा ऐसा जुलम है, वो कहता कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें पीछे से ऑर्डर नहीं है।
हमें पीछे से ऑर्डर आएगा तो ही हम आपको बचा पाएंगे, और साथ में पुलिस भी मार रही थी उनके साथ में जो मारने वाले थे। तो हमने फिर वहां से उनको बोला, वो कहते हमारे को बिठा दिया चौकी इंचार्ज ने, इतनी बड़ी इससे की बड़ी थी चौकी, वहां पे बिठा दिया। वहां पे हमारे को फिर दोपहर को उन्होंने, हमने कहा दो दिन से हमारे बच्चों ने नहीं कुछ खाया, हमने भी कुछ नहीं खाया, मेरा छोटा बेटा तो मेरे से बिछड़ गया था जो 15 दिन का था, बाकी दो बच्चे थे मेरे पास, दो मैंने उठा के फिर हमने वहां पे उन्होंने हमारे को रोटी खिलाई, रोटी खिला के फिर हम पांडव नगर, उन्होंने बोला मैं आपको रख नहीं सकता, आप शाम हो गई आप जहाँ मर्जी जाओ, वो चौकी इंचार्ज बोलने लग गया। फिर हम सामने एक गुरुद्वारा था पांडव नगर में, पत्थर डेयरी के सामने गुरुद्वारा था, वहां चले गए हम। फिर वहां चले गए तो वो वहां पे भी गुरुद्वारा में आग लगाई हुई थी, सब कुछ सारा कुछ बिखर रहा था, गुरुद्वारा ऊपर बन रहा था। हम वहां पे रात को फिर हमने उनको सरदार जो दो तीन बच गए थे, हमने उनके हाथ पैर, उन्होंने कहा आप ऊपर चले जाओ, ऊपर चले जाओ, पत्थर इकट्ठे कर लो, पत्थर इकट्ठे कर लो। हम 50-60 लेडीज थी, रात को वहां पे हमने दिन में शाम को ही हमने पत्थर बहुत सारे इकट्ठे करे, ऊपर पत्थर इकट्ठे करे तो हमने बच्चों को वो कट्टे वहां पे सीमेंट के पड़े हुए थे, वहां पे पूरा गीला था, हमने वहां पे बच्चों को सुला दिया, बच्चों को सुला दिया। रात को फिर वो मारो 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 तलवार लेके आ गए, आग फेंक रहे थे, हम फिर ऊपर से ईंटे बरसाते रहे, ऊपर से ईंटे मारते रहे उनको। हमने पूरी रात लेडीज होने जो 50 लेडीज थी, हमने पूरी रात मुकाबला करा, हमने भी उनको बख्शा नहीं लेडीज होने, हमने भी उनको मारा, वो भी घायल होके वो होके चले गए। फिर हमने फिर सुबह उन्होंने गुरुद्वारे वालों ने बोला भी आज तो आप ने पत्थर मार के बच गए, आप आज 3 तारीख को फिर हम वहां से पैदल 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 दमदमा साहब गुरुद्वारे जाने लगे, पूरा जमुना की तरफ हम पैदल पैदल, हमारे पास कुछ नहीं था, ऐसे रोते करते 50 से लेडीज थी, पैदल 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 पांडव नगर से जब हम जमुना जी पे आए तो ट्रकों के ट्रकों में लाश भर भर के, किसी की गर्दन थी, किसी की बाजू थी, किसी का पैर था, किसी की मतलब लाशें ऐसे ऐसे उठा के जमुना में फेंक रहे थे। तो 2-3 गाड़ियां भरी थी वहां से, हम कह रहे ये मेरे भाई की है, ये मेरे ऐसे ऐसे रोने लगे। तो वहां से हमारे को मिलिट्री ने भगा दिया कि आप जाओ यहाँ से जाओ, ये तुम्हारी लाशें नहीं है, तुम्हारी लाशें नहीं है ये। तो हम फिर वहां से हम पैदल 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 जाने लगे, वो रेल की पटरी आई थी, हम वो पार करने लगे तो वहां पे हमें मिलिट्री ने रोक लिया, मिलिट्री ने रोक लिया, हमको आगे भी जाने दिया, नहीं तुम कहाँ से आए, हमने कहा त्रिलोकपुरी, उन्होंने कहा आप उसमें कल्याणपुरी थाने में जाओ, यहाँ नहीं जाने देंगे। फिर हम पैदल 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 बच्चों को हम कल्याणपुरी थाने में गए, फिर वहां 3 तारीख को हम जब शाम तक पहुंचे वहां कल्याणपुरी थाने में, अंधेरा होने को आ गया, जब वहां पे जाके देखे तो अंग्रेज वंग्रेज सारे बैठे हुए थे, हम अंग्रेजों को पकड़ के रोने लगे, हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया, हमारे को कुछ नहीं बचा। उन्होंने भी हमारे बच्चों को बिस्किट विस्किट दिए, खाने के लिए पानी वाणी पिलाया, फिर वहां से उन्होंने फिर पर्स बचा ताड़े में हमारे को भेजा गालियों में। लेकिन 40 साल हो गए, 40 साल के बाद भी हमारे को इंसाफ नहीं मिला तो हम कहां जाएंगे, हम कौन सी सरकार ऐसी ढूंढे जो हमें इंसाफ दे। 40 साल में भी हमें इंसाफ नहीं मिला, और एक को या दो को सजा होने से हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। 5,000 सिखों का कत्लेआम हुआ दिल्ली में, कोई मामूली बात नहीं है, जो बसों में ट्रेनों में सबों में, हमारे घर की तो हम बोल देते हैं, जो बसों में ट्रेनों में 5,000 सिखों का कत्लेआम हुआ, 2 जनों को फांसी लगा या सजा देने से हमें इंसाफ नहीं मिलता। अभी तक एक को भी फांसी नहीं हुई है, जो एक को फांसी हो जाए तो भी हमें सबर आ जाएगी, एक को फांसी हुई है क्या दिया हमें, पैसा भी क्या दिया इन्होंने, 5-5 लाख रुपए 3.5 लाख रुपए दे के हमें ऐसे मार दिया, और इन्होंने हाथों से मरवाए। पर ये कहते हैं ना कि हमने नहीं मरवाया, हमने कुछ नहीं किया, तो ये अपने एरिया में 3 दिन तक क्या करते रहते थे, क्यों अपने एरिया में खूनी खेल मचाते रहे, अपने एरिया में जाते ये सज्जन कुमार टाइप लाए आजकल भगत, अपने एरिया में जाते कि ये मेरा एरिया है, यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं गए अपने एरिया में, अब कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, तब कहाँ थे तुम बताओ कहाँ थे। राजीव गांधी ने ये अब सारा खेल राजीव गांधी ने रचा, जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, क्या तुमने सिखों के लिए धरती हिलाई थी, हम भी तो यहाँ रहते थे, हम भी तो यहाँ के नागरिक थे, हम कोई बाहर से नहीं आए थे, हमारा बचपन यही बीत गया, सब कुछ यही पे हुआ, शादी हुई, सब कुछ हुआ, और हमारे घरों भी तुमने बर्बाद कर दी, हमारा बताओ क्या कसूर था, हमने क्या किया था ऐसा जो तुमने हमारे साथ ऐसे जिंदो जिंदो को जला दिया।
और अभी तक हमें कोई इंसाफ ही नहीं मिला।